नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा दुबे। जब से लॉकडाउन लगा है, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने गरीबों की काफ़ी मदद की और कुछ लोग सिर्फ अखबार में फ़ोटो छपाने के लिए ही लोगों को मामूली राशन बांट रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े पैमाने पर गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह का व्यक्ति जिला गुरदासपुर के गाँव धदोई के बलजीत सिंह, जो कि यूरोप और पंजाब एक बड़े व्यापारी और समाज सेवी हैं। इनमें खास बात यह देखने को मिली कि इन्होंने आज तक मीडिया से दूरी बनाए रखी। बलजिंदर सिंह की मां जसबीर कौर उनको 2.5 साल की आयु में पैसे की कमी के कारण बीमारी से हार कर छोड़कर चली गई और उनके पिता अजीत सिंह ने उनके पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन उस मां समंतर कौर ने भी उनका पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। बलजीत सिंह द्वारा अपने ही महल में अपने माता पिता के भूत के पास अपने लिए एक शमशान घाट भी बनवाया, जिसमें मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बलजिंदर सिंह लगातार 10 साल से गरीब लड़कियों की शादी में शगुन के तौर पर पैसे भेंट करते आ रहे हैं और आज से 5 महीने पहले अपने मां के नाम पर जसबीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट से एक सोसाइटी की शुरुआत की और पूरे पंजाब वासियों को अपील की कि जिस भी गरीब के मैं काम आ सकता हूं, वो मेरे नंबर 8558801115 पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि बलजिंदर सिंह द्वारा गांव के लिए बहुत पैसे खर्च किए गए और गांव का शमशान घाट को ऐसे पैलेस की शक्ल दी और गांव के आसपास के स्कूलों को दान राशि भी इनके द्वारा भेंट की जाती है। अगर बलजिंदर सिंह के घर कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आ जाता है तो बलजिंदर सिंह उनको खाली नहीं जाने देता और उनके साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। उनके मन में कोई भी अमीर गरीब वाली बात नहीं है। आप सबको एक नज़र से देखते हैं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। तुम पहले दस चुके हैं कि मेरे ये जो मेरे अंदर संस्कार है, मेरी माँ के संस्कार है। मैं सिर्फ 10 साल तो नहीं ये काम कर रहा, तो मैं नॉर्वे में यो काम करता है। नॉर्वे में भी पता नहीं मैं किन्ने एक लड़कियों की हेल्प की आ, जोड़े लोग इतों लड़कियों के शादी करके ला जाते उत्थे जाके कुड़ियों तंग करते, सस्सा कर तंग कर दें, मुंडे तंग करते। उत्थे बेहिसाब लड़कियां रात को 10-10 2 बजे 3-3 बजे 1 बजे 12 बजे मेरे घर रात को आदि रही, और उन्होंने सारे ने मैं नॉर्वे भी सामभिया। इतों तक कि उन्होंने मैं वीजे लवाए अपने मेरे को 4 एडवोकेट आ नॉर्वे, वो अपने मेरे जो एडवोकेट से सारी पूरी उन्होंने जाके मैं कहता कि इन्हों का पूरा तो काम करना, इन्होंने वीज़ा दवाना और खर्चा सारा मैं देगा। और उत्थे तो मतलब मैं सारा खर्चा उन्होंने हूँ तक जिन्हें भी काम कराए सारे खर्चे मैं अपने बिलते हैं। एक मैं तुम्हें कहानी होर सुना, ये 98 की गल 1998 की। मैं उदो उस लोग गुरुद्वारे का प्रधान सीगा, तो साढ़े असी लागे शहर टोंसबर्ग उत्थे एक लड़की दी उत्थे किसी का सुगनी साहब का पाठ कर गए। पाठ तो बाद सारे पिंड सारे शहर के लोग इकट्ठे होकर मेरे को आ गए, साढ़े इतने बड़ा वाला एक्सीडेंट होया तो वो कुड़ी की तुम मत करो। वो कुड़ी दे हसबेंड ने उस कुड़ी इतने एक चाकू मारे कि वो शरीर पर कोई थान नहीं सी जिते जख्म नहीं सी, तो उन्होंने हॉस्पिटल भेजता। हॉस्पिटल तो बाद मुड़ के उस हॉस्पिटल भेजता। मैं उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हेल्प करने तैयार हाँ, तुम अगले मंडे संडे को गुरुद्वारे आ जाओ, संगत जो संगत फैसला करूगी मैं करने तैयार है। अगर संडे आए संगत को कहा मैं सात सिंह की आह प्रॉब्लम इन्हों की है, दसो की करा। उस संगत कहती तुम इन्हों की हेल्प करो। मैं वो मदर फादर मदर इंडिया तो नॉर्वे बुलाया, अपने घर 3 महीने रखिया, आने जाने का सारा टिकटा खर्चे मैं दिते, वीजे उन्होंने मैं लवाए 3 महीने। मेरी वाइफ हर महीने हफ्ते में 3 बार ला के उन्होंने हॉस्पिटल जाती सी, 150 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल सी। उस कुड़ी उदों तो लैके अज तक जब भी मैं वापस नॉर्वे 10 दिन वास्ते जाना मैं उन्होंने मिल के आना, और मैं पहला इंसान हाँ नॉर्वे जिहड़ा उन्होंने मिलता, होर अज तक कोई मिल नहीं गया। एक चीज़ है कि जी सेवा भावना वा, तुम 2.5 साल दे जो बारे दस्य। मैं जो मैं मेरी मदर की डैथ हो रही थी, मैं उदों उन्होंने हिक चलव पिया, छोटी जी मेरी उम्र से 2.5 साल की उम्र से, लेकिन वो उन्हों की डैथ जो हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश डॉक्टर के हॉस्पिटल से, उन्होंने मेरी मदर के नक् में नाली पाई थी, मूँह में नाली पाई थी, उन्होंने अंदरों पॉइजन ना बाहर कढ़ी जा रही थी। तो डॉक्टर ओम प्रकाश आया तो मेरे फादर साहब भी उन्हें लागे फादर साहब कह रहे थे तुम 2 हफ्ते पहला लैके आ जाते तो मैं इन्हों मरन नहीं सी देना। तो मेरा फादर कह रहा डॉक्टर साहब मेरे को इन्नी हिम्मत नहीं हैगी कि मैं तुहाडे हॉस्पिटल लैके आ जाता, लेकिन मैनू उदों तो ही मेरे मन में खा बन गई सी कि जिंदगी जो मैं कोई बनिया तो मैं गरीबों की सेवा जरूर करनी हाँ। मैं यो मेरी सच्ची श्रद्धांजलि मेरी माँ को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यो ही होगी जो मैं करने की कोशिश माणी की कोशिश कर रहा।
एक तुसी अपने घर के बाहर एक अपने मम्मी पापा का स्टैचू बनाया वा घर का जो पुरानी विरासत अजे भी संभाल के रखी वो जो मैं स्टैचू बनाया ना मैनू वो याद आता कि मेरी माँ सी मेरी माँ किस तरह मरी तो मैं जो भी सवेरे जो इतों निकलता दफ्तर जाना अमृतसर जाना मैं उ मत्था टेक के जाना एक किसी ने भी अपने टाइम का घड़ी का नहीं पता कदों उन्हें रब को चले जाना अपने घर के बाहर अपने वास्ते शमशान घाट बना रहे गुरबाणी क्या कहने क्या जाना कैसे मरेंगे कैसे मरना होए जे साहब मनो ना विसरे तो सहल मरना होए मरना तो असी सारे ही तो लेकिन जो सिख धर्म है ना इस गुरु नानक देव जी का शब्द है कहते पहला मरण कबूल जीवन की छट आस हो सब ना की रेणका तो आओ हमारे पास कहते पहला मरण कबूल करो कि असी एक दिन मर जाना इंसान जब तक जम्मण तो लैके मरण तक यह मनता ही नहीं कि मैं एक दिन मरना तो जिस इंसान ने यह समझ लिया कि मैं मरना वा तो वो अंदरों हंकार खत्म हो जाता निर्माणता आ जाती है तो उ गुरु के दर पर परवान आ जिदे अंदर हंकार खत्म हो गया तो वो जो मैं बना रहा ना वो मैं बना इसलिए रहा मैं चाहता ही मेरा ख्याल मेरी एक खास सी कि मेरा डैथ चाहे इंडिया च हो चाहे नॉर्वे च हो लेकिन जोड़ा मेरा अंतम संस्कार है ना वो मेरे माँ प्यो के चरणों च हो वो इसलिए मैं पहला ही बना मेरा ख्याल दुनिया च मैं पहला ही आदमी होगा जोड़ा इस तरह बना के अपने हथी आप ही बना के जा रहा बहुत ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा जी मैं आखो अजे तक किया नहीं किसी ने गरीबों की मदद करनी महीने में 10 लड़कियों के विह करने 10,000 रुपया देना उन्होंने लड़की को शगन तौर पर साढ़े शमशान घर की सेवा बड़ी तगड़ी की 8-9 लाख रुपया उत्थे लाया लागे लागे साढ़े अकैडमी दोवे तिना 5 ग्राहियाँ कमाण वा इन्हों 1,00,000 रुपया दिता फिर साढ़े पिछले साल इन्होंने मेरे ना गल कर लिया भी ठंड बड़ी ज़्यादा वा तो आप कुछ गरीबों को कपड़े ना लै दी तो मैं भाजी तो डीशा तो इन्होंने 1,000 कंबल लिया के साढ़े इतने लोगों को वंडिया 1,000 कंबल गरीबों को ठंड ज़्यादा होने करके तो तुहानू पता भी नहीं अजकल तो लोग एक किसी को 100 रुपये की चीज़ नहीं देंगे पर इन का दिल बड़ा तगड़ा महाराज ने दिता तो दिता उस तरह पैसे पक्षों भी बड़ा महाराज ने इन्हों मतलब गफा दिता जे कोल ही तो दिता जाता तो राजा दिल का आदमी साढ़े पिंड एक वधिया इंसान मिलया जिदे विच कोई ईरखा नहीं किसी नाल भी शमशान घाट की जो गल की जाए इन्होंने एक अपने घर के शमशान घाट बनाया पिंड के भी कहते बनाया हाँ जी पिंड के भी कहते एक शमशान घाट बनाया एक पिंड इन्हें बनाया जी दो साढ़े बनाए पंचायत वालों वो तो नॉर्मल जे इन्होंने तो पूरा मतलब 7-8 लाख रुपया ला के पैलेस की शक्ल देती उन्होंने जोड़ा जाता वो वेख के वैसे खुश हो जाता ये किसी ने की किया इतने पूरा मतलब रूह ना बनाया रंग रोगन साल पिछों करते बंद तनखा दे के दिहाड़ी दे के सफाई कराते पिंड के बंदे इन्नी योग्य भी नहीं कि भाई साफ ही कर दिया करिए असल में चाहिए पिंड के लोगों कि उन्होंने सफाई तो आप रखन पर नहीं करते यो करवा बड़ी तगड़ी इन्हें देख के देना पिंड में